फरमान खान इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर टीवी एक्टर्स में से एक हैं, जिनको लोग काफ़ी अच्छी तरीके से अब पहचानने लगे हैं। लेकिन फरमान खान आज से कुछ साल पहले कहाँ थे? फरमान खान की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और अब वो कहाँ पर है, इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने समझा होगा कि इमली फरमान का सबसे पहला शो है जिसमें उनको एक्टिंग का चांस मिला था। लेकिन हम आपको बता दें कि फरमान खान ने सबसे पहली बार एक्टिंग एक मूवी में की थी। जी हाँ, एक मूवी में फरमान खान ने एक्टिंग की थी। फरमान खान ने रोल किया था और वो रोल इतना ज़्यादा छोटा है कि आपने जब उस मूवी को 50 बार देखा होगा तो आपने नोटिस भी नहीं किया होगा कि वहाँ पर फरमान खान खड़े हुए हैं। दरअसल थ्री इडियट्स मूवी को तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और इस मूवी में हम लोगों ने वो सीन भी देखा होगा जहाँ पर वायरस सभी लोगों को यह बताता है कि ये चिड़िया के बच्चे जब निकलते हैं तो वो दूसरे अंडों को फेंक देते हैं नीचे ताकि वो लोग सर्वाइव कर पाए। लेकिन इसी सीन में जब वो नकली घोंसले को सभी स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए लाता है, वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं और उन्हीं में से एक स्टूडेंट होते हैं फरमान खान। जी हाँ, इस पूरे सीन पर आप इस लड़के को देख पा रहे होंगे, जो वैसे तो आपको इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं आया होगा, लेकिन जब आप इस पूरे सीन को देखेंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये तो फरमान खान ही है। और इस पूरे सीन में फरमान खान का जो टोटल स्क्रीन टाइम था वो मेरे अकॉर्डिंग 1 मिनट से भी काफ़ी ज़्यादा कम था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फरमान खान आमिर खान के साथ मूवी करने से सलमान खान के साथ साइड बाय साइड बैठने तक आ चुके हैं, यानी कि उन्होंने कितनी ज़्यादा कामयाबी हासिल करी है। अगर आपको फरमान खान कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज ए एक्टर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह बिग बॉस 16 की हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटेगा।